शेयर करने वाली हूँ वे कानों की दास्तान। देखो लव स्टोरी का पार्ट 7। तो चलो स्टार्ट करते हैं। समझाओ समझाओ कोई इसे समझाओ। मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है। अगर ये शादी नहीं करेगा तो ये मायावी शक्तिशाली राक्षस कैसे बन पाएगा? माँ मैंने कहाँ मना किया है शादी के लिए, बट माँ जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता हूँ मैं। शुगा तुम क्यों समझ नहीं पा रहे हो मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम शुगा राक्षस हो या इंसान। बस मुझे पता चल गया है कि शुगा बहुत अच्छे हैं, मेरे मेरे बारे में सोच रहे हैं। और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? जे हो क्या आप मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करोगे? हाँ वायन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करूँगा। जे हो तो फिर मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बट वायन मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं तो आपसे पहली नजर से ही प्यार करने लगी थी। सच में वायन तुम्हें पता होते हुए भी कि हम राक्षस हैं तुम मुझसे फिर भी शादी करने के लिए तैयार हो गई हो? हाँ जिमिन क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ शुगा मैं तुमसे शादी करूंगी बिकॉज मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिमिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो। ना ज्यादा नहीं शुगा बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा करती हूँ। वेरी गुड मेरी बहू ये तो खुद ही मान गई है शादी के लिए। अरे मानेंगी कैसे नहीं, मेरे बेटे इतने हैंडसम है, नहीं गुड लुकिंग जो है राक्षस हुए तो क्या हुआ? फिर भी मेरे बेटे किसी इंसानों से कम हैंडसम थोड़ी ना वी तुम कुछ नहीं बोलोगी? समझे? तुम लोगों ने जिमिना दी और वायन को अपने जादू से अपने वश में कर लिया होगा, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं कर पाओगे। समझे? नहीं वी तुम गलत समझ रही हो, इन्होंने कुछ नहीं किया है हमें। हाँ जिमिन बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ मैं शुगा से प्यार करती हूँ। जिमिना दी आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? ये इंसान नहीं है राक्षस है। राक्षस हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। बस बस बहुत हो गया तुम मेरे रानी बनोगी। तुम राक्षस राज जॉन जंकुक की रानी बनोगी समझी? नहीं मैं तुम जैसे राक्षस के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी। मैं इंसान हूँ और मैं इंसानों से ही प्यार करती हूँ। और तुम इंसान नहीं हो तुम एक राक्षस हो। राक्षस मैं राक्षस के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी। बस बस तुमने जो बोलना था बोल दिया। तुम तो मुझसे प्यार करने लगी थी ना, तो फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? हाँ करने लगी थी बट सिर्फ करने लगी थी। और जो इंसान के भेष में जंकुक था उससे प्यार करने लगी थी बट तुम तो एक राक्षस निकले, तो मैं एक राक्षस से कैसे प्यार कर सकती हूँ? क्यों जब मैं इंसान के भेष में था तब भी मैं ही था और अब भी राक्षस हूँ तब भी मैं ही हूँ, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुझे नहीं पता कि तुम अब मुझसे प्यार करती हो या नहीं, पर मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। और तुम मेरी हो सिर्फ मेरी, राक्षस राज द जॉन जंकुक की। कल तुम तीनों की शादी मेरे तीनों बेटों के साथ हो जाएंगी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वी तुम खामखा परेशान हो रही हो, ये सब राक्षस है तो क्या हुआ? ये दिल के बुरे नहीं है, ये हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
और हमसे शादी करना चाहते हैं। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये आपको लगता है जिमी नदी, बट मुझे पता है ये हमें हम तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम तो मेरी होने वाले बहुए हो, हम भला तुम लोगों को नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? वी तुम खामखा डर रही हो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और ना ही वायन और तुम्हारी दीदी को। तुम लोग तो अब हमारे परिवार का एक हिस्सा बनने जा रही हो। अब तुम तीनों आराम करो, रात बहुत हो चुकी है। चलो मेरे बेटो, मुझे तुम लोगों के साथ कोई जरूरी बात करनी है। फिर वो चारों वहां से चले जाते हैं। मम्मी मम्मी, उनसे मन हुस गड़ी थी जब मैं देखो आ रही थी। वी शांत हो जाओ, क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, मत रो। देगू पहुंच गए। कहाँ है, कहाँ है मेरी बेटियाँ, कहाँ है? मिस चा? जी मैम, कहाँ है मेरी बेटियाँ? मिस चा, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कल रात से वी, जिमिन और वायन लापता है। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट वो हमें नहीं मिल रही है। हमने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दर्ज कर दी है, बट 24 hours के बाद ही कोई इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या मेरी बेटियाँ कहाँ चली गई है? तुम लोगों ने नोटिस किया? कल रात से जंगकुक, जेहोप और क्या नाम था, शुगा, वो तीनों भी मिसिंग है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ सुबिन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखा जेन्नी, मुझे इन लोगों पे पहले से ही शक था, मेरा शक सही साबित हुआ। ये तीनों पुलिस वाले लकी नहीं रहे थे। हाँ तुम सही बोल रहे हो यंजुन, मुझे मेरी दोस्तों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। न जाने किस हाल में होंगे वो तीनों। जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। सारी गलती मेरी है, हाँ सारी गलती मेरी है। मेरी उस गलती की सजा मेरी बेटियों को अब भुगतनी पड़ रही है। आप किस गलती के बारे में बोल रही है मिस चा? क्या आप हमें बताएंगी? आप लोग जिन लड़कों के बारे में बात कर रहे हो वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है। क्या जंगकुक, जेहोप और शुगा? हाँ वो तीनों, वो राक्षस है, वो इंसान नहीं है। क्या वो राक्षस है? हम राक्षसों के साथ रह रहे थे? ओह माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है सोचते हुए ही। देखा जेनी, तुमने देखा वो जंगकुक, तुम उसे बहुत पसंद कर रही थी ना, वो राक्षस निकला, राक्षस। अब बताओ क्या तुम फिर भी उसे पसंद करती हो? नहीं मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर किसे पसंद करती हो? मुझे? हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ जेनी। हाँ बट अब ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है। शांत हो जाओ जेनी, शांत हो जाओ, रो मत। मिस चा, आप मुझे बताइए कि आपको कैसे पता कि वो इंसान नहीं राक्षस है? 21 साल पहले वाव, देखू इज सो ब्यूटीफुल, बट इन वो हम घूमते घूमते इतने दूर आ गए हैं। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, हमारा पानी खत्म हो चुका है। तुम्हें प्यास लगी है? चलो हमें कोई नदी ढूंढनी पड़ेगी पाने के लिए। विमिन के मम्मी पापा आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें तभी आगे एक बहुत बड़ा महल दिखता है। इनू वो देखो कितना बड़ा महल। चलो ना हम उसके अंदर जाते हैं, हमें पानी मिल जाएगा उसके अंदर। हाँ इनू चलो ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है। ओके ठीक है चलो, फिर विमिन के मम्मी पापा वहाँ पे जाते हैं। वाह ये महल कितना ब्यूटीफुल है। हाँ बट यहाँ पे हमें कोई दिख नहीं रहा है। हेलो
कोई है? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या कोई अंदर है? इनू वो देखो, वो रहा पानी। टेबल पे जो पानी रखा हुआ होता है वो पानी विमिन की मम्मी पी लेती है। हाँ, अब मेरी प्यास बुझी। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? क्या किया मतलब, आप ये क्या बोल रही हो? तुमने मेरा जादुई जल कैसे पी लिया? तुमने बहुत गलत किया है। तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे पूछे बिना मेरा जादुई जल क्यों पी लिया? क्या जादुई जल? हाँ, ये जादुई जल है। इसे पीने के बाद मेरे बेटों में बहुत ज्यादा शक्तियाँ आने वाली थी, लेकिन तुमने इसे पी लिया। सॉरी बहन जी, हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गई। अब माफी मांग के क्या फायदा? तुमने जो करना था वो कर दिया। सॉरी, हमसे गलती हो गई है। अब जो कहोगी हम उस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार है। तुम्हें दो जुड़वा लड़कियां होंगी और उनकी शादी तुम्हें मेरे दो बेटों के साथ करनी पड़ेगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ, ठीक है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। क्या ये सब हुआ था? हाँ, यही गलती थी मेरी, और अब उस गलती की सजा मेरी बेटियों को भुगतनी पड़ रही है। अब कुछ नहीं हो सकता। वो राक्षसनी मेरी बेटियों के साथ उसके बेटों की शादी कर देंगी, और फिर मेरी बेटियों के साथ शादी करने के बाद उसके बेटों में बहुत ही ज्यादा मायावी शक्ति आ जाएंगी। क्या ऐसा तो हमने सिर्फ कहानियों में सुना था, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा सच में हो सकता है? तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? आप घबराइए मत, हम उस महल में चलेंगे, चलिए हमारे साथ। ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना। लव यू, बाय बाय सारंगे।